पहली बार आया हूँ गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर लाल बाग के राजा को देखने, तो बहुत लकीली हम आरती के लिए आरती के टाइम आरती के वक्त आ गए और हमें आरती देखने को मिल गई और इतने खूबसूरती से ये लोग आरती करते हैं और एक्सपीरियंस हमें एक बार आने के बाद ऐसा लगता है कि हर साल आना चाहिए और हमेशा दर्शन करने चाहिए और हमेशा आरती के लिए आना चाहिए, कुछ सुबह आना चाहिए। तो आज पप्पा से आपने क्या मांगा? वो नहीं बता सकते। अच्छा, सीक्रेट है वो? नहीं, बस हम हमेशा जो मांगते हैं। अच्छा, तो सर अभी आपकी कोई नई मूवी आने वाली है? हाँ, हम मैं रामलोक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। रामलोक का अभी शूटिंग होने वाली है अक्टूबर और मे बी इट विल बी आउट नेक्स्ट ईयर, पता नहीं रिलीज डेट बट 2019 या 2020 में रिलीज होगी। जैसा कि आपने हिट स्टोरी 4 में काम किया है, दर्शकों ने बहुत ही सराहा उसको, तो कैसा आपने एक्सपीरियंस लिया उससे, क्या हर हर फिल्म का एक्सपीरियंस अलग होता है, यूनिक होता है, एक आपकी ग्रोथ होती है उसमें, और हर जैसे लाइफ में भी हर एक्सपीरियंस ये भी एक एक्सपीरियंस। हमें आइडिया नहीं था कि लोग घंटे यहाँ पर आके रुकते हैं दर्शन करने के लिए। हम थोड़े से लकी हैं कि हमें यू नो लाइन बाईपास करके हमें VIP एंट्री दी जा रही है, तो वी फील प्रिविलेज दैट, बट यू नो इट्स एन अमेजिंग थिंग। और हर फिल्म जैसे जुड़वा भी थी, हे स्टोरी थी, यू नो जितनी भी फिल्म्स मैंने किए, दंगल थी, तो हर फिल्म का एक एक्सपीरियंस होता है, वो यूनिक होता है, आपकी ग्रोथ आपको ग्रोथ देता है, आपको यू नो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको नए लोगों से मिलाता है और आपको और काम दिलाता है। तो मेरा सिर्फ ध्यान अपने काम पे है, मैं अपना बेस्ट काम करना चाहता हूँ और अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ। वो रूटीन तो बहुत मुश्किल, अभी इतने जल्दी बता नहीं सकता, बट हाँ पाँच हफ्ते में 5 या 6 दिन आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और आपका मेन चीज़ होती है रेस्ट और डाइट, जो जिम के बाहर काम होता है वो ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और मैं रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा जिम कर रहा हूँ आजकल, तो उसके चक्कर में ये ज़्यादा बॉडी दिख रही है, वरना इतना नहीं रखता मैं, इतना डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए। Thank you so much.